आज हम उपयोजित लेखन की विधा पर गौर करेंगे। उपयोजित लेखन की एक विधा है कहानी लेखन। तो हिंदी में कहानी लेखन कैसे किया जाता है, इस बात पर हम गौर करेंगे। वैसे देखा जाए तो कृति पत्रिका के आधार पर कहानी लेखन के तीन प्रकार हैं। और ये तीन प्रकार कौन से हैं? एक होता है मुद्दों के आधार पर कहानी, दूसरा प्रकार होता है शब्दों के आधार पर कहानी, और तीसरा प्रकार होता है किसी सुवचन, कहावत तथा मुहावरे के आधार पर कहानी। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखें, अभी कृति पत्रिका में हिंदी के लिए केवल मुद्दों के आधार पर कहानी होती है। निचली जो दो किस्म जो है, शब्दों के आधार पर कहानी और सुवचन के आधार पर कहानी, अब पूछी नहीं जाएगी। इसलिए हम केवल एक प्रकार पर गौर करेंगे। अब कहानी जब लिखते हैं तब किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इस बात पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। पहली बात है रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब है कहानी के मुद्दे। उन मुद्दों को आप एक दो बार पढ़ लीजिए और मन ही मन कहानी तैयार कर लीजिए। दूसरी बात है रूपरेखा का विस्तार। संकेतों के आधार पर रूपरेखा का विस्तार करना चाहिए। और हां एक बात याद रखें, कहानी लेखन का जो स्थान होता है उसका नाम भी तय कर लेना चाहिए, और कहानी में जितने सारे पात्र होते हैं उन पात्रों को काल्पनिक नाम देने चाहिए। ये हुई दूसरी बात। और तीसरी बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कहानी आप लिखने जा रहे हो ये कहानी भूतकाल में होनी चाहिए। हालांकि भूतकाल के तीन प्रकार है, सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है और पूर्ण भूतकाल है। मतलब किसी भी भूतकाल का वाक्य हो, अपूर्ण भूतकाल हो, पूर्ण हो या अपूर्ण हो, इन तीनों भूतकाल में ही कहानी चाहिए। हां अपवाद स्वरूप अगर आप वहां संवाद लेखन करते हैं, पात्रों के संवाद होते हैं ना कहानी में, तो उन संवादों का काल जो होता है वो कौन सा भी हो सकता है। उन संवादों को आप वर्तमान में भी लिख सकते हैं, उन संवादों को आप भूतकाल में भी लिख सकते हैं, और उन्हीं संवादों को आप भविष्य काल में भी लिख सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखें। और हां और एक बात है, कहानी कम से कम तीन परिच्छेदों में हो, और ये कहानी लिखने के बाद एक सूचना होती है, कहानी लिखकर शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। तो हम क्या करते हैं, कहानी लिख लेते हैं, बाद में शीर्षक देते हैं और उसके नीचे सीख देते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, शीर्षक जो होता है वह हमेशा ऊपर होता है, और शीर्षक ज्यादा से ज्यादा दो या तीन शब्द में होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दो या तीन शब्दों में यदि शीर्षक हो तो यह कहानी बहुत अच्छी। और सीख जो होती है, कहानी पढ़कर आपको कौन सी सीख मिली, कहानी का तात्पर्य क्या है, यह तात्पर्य लिखना ही कहानी की सीख होती है।